वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल की नो ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो जैसे आप कई बार वीडियो देखते हो तो राइट कॉर्नर में आपको दिख जाता है कि यू नो सब्सक्राइब का बटन आ जाता है या आप कुछ भी अपने यू you नो know, अपने चैनल का ब्रांड डाल सकते हो तो कुछ भी वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि वो जो बेसिकली लोगो है आपको वो आपको स्टार्ट में चाहिए मिडिल में चाहिए या यू नो थ्रू आउट द वीडियो चाहिए तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा तो आप वीडियो के स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए एंड आई होप बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं कोई ज़्यादा टफ नहीं है बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप भी अपने चैनल की ब्रांडिंग कर सकते हो यू नो अगर वो सब आप करते हो तो आपका चैनल जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और जो आपके व्यूअर्स होते हैं उनको भी थोड़ा अच्छा फील होता है ओके okay? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है आपको अपना ब्राउज़र ऑन करना है जो भी ब्राउज़र आप तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है आपको अपना ब्राउज़र ऑन करना है जो भी ब्राउज़र आप जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं आप उससे पहले ऑन कर लीजिए जैसे कि मैंने ये ऑन कर लिया क्रोम यहाँ पे आप दिखे यूट्यूब बेसिकली आपको अपने चैनल तक पहुंचना है और जी से आप साइन इन करोगे उसके बाद आपका चैनल और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉर्नर में ये आपका चैनल का लोगो है यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करोगे कि यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करोगे यूट्यूब स्टूडियो में क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो का इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर आपने यू नो वीडियो अपलोड करी हैं वो पूरा आपका क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा ये देख सकते हैं आप ये आपके वीडियोज़ हैं राइट अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ में आ रहा है आपके पास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है तो आपको सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा जर्नल चैनल अपलोड डिफ़ॉल्ट, परमिशन, कम्यूनिटी और एग्रीमेंट तो आपको चैनल पर क्लिक करना है चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल यू नो ऑप्शन मिल जाएंगे एक बेसिक एक एडवांस एक ब्रांडिंग एक फीचर एबिलिटी एलिजिबिलिटी तो आपको ब्रांडिंग पे क्लिक कर लेना है अब ब्रांडिंग पे आपको ये दिख रहा है ये यू नो इस तरह से आपके वीडियो का इंटरफेस होता है और यहाँ पे आपको वो इंसर्ट करना है तो रिमेंबर दिस की मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको वो बेसिकली जो लोगो आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो चाहे वो सब्सक्रिप्शन का बटन हो सकता है या आपके चैनल का लोगो हो सकता है वो आप यहाँ से कैसे इंसर्ट कर सकते हो वो पी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी यू नो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है तो मैं ये नहीं बताऊँगा कि वो बनाना कैसे है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसमें मैं बताऊँगा आपको कि आपको कैसे बेसिकली इंसर्ट करना है राइट तो मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर आपको क्या करना है चूज़ इमेज करना है और जहाँ पर भी आपने बना के रखा है उसको ऑप कर दोगे तो जैसे ये है अब आप वो देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन का बटन इंसर्ट हो चुका है तो राइट अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एंड ऑफ द वीडियो देखना है या कस्टम स्टार्ट टाइम में देखना है या इंटायर वीडियो तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंटायर वीडियो तो ये थ्रू आउट द वीडियो मेरे को दिखने लग जाएगा और उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है सिंपली तो आपको अब जब भी कोई भी आपका व्यूअर्स कोई आपकी वीडियो देखेगा तो उसको ये जो है सब्सक्रिप्शन का बटन आपकी वीडियो के राइट right कॉर्नर में थ्रू आउट द वीडियो दिखता रहेगा और राइट तो दिस इज़ इट ये था इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय एंड टेक केयर Hi guys, welcome to another video, friends. Today's video is all about how you can, you know, brand your YouTube video. How you can insert any sort of logo in your YouTube video? Uh, whenever uh, your, you know, viewers watch your video, so that the logo which you have inserted in your video, it should be visible to them throughout their, uh, throughout your videos, right? So today's uh, today's video is all about that. Uh, so, service starts now. So first of all, first of all, what you need to do is open your browser, whatever browser you are using. So I start with the Chrome, obviously. Now, write YouTube over there and move to your channel, basically. That means you have to sign in with your uh, Gmail account and then reach to your channel. This is your channel. Click over there and go to the YouTube Studio. Once you go to the YouTube Studio, then the your video interface will open. You know uh, where you have uploaded your all the videos. That sort of uh, 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 interface will open. Now, what you need to do is this is. So here you can see easily that there is an option of setting. So you just need to click on the setting. Now, this interface will open over here. Right? You can see this interface now you can see that there are a lot of uh, options general channel upload default and all what you need to do you have to just simply click on channel channel after that there are four options but you need to click on branding only this is the branding now you can see that here already the subscription button is inserted i want to replace it i just remove it and let me tell you the different way i just want to remove it first first of all like now you can see that there is no any uh, what you can say the branding or what you can say no logo is available over here visible over here so one thing you need to remember is that i am not uh, telling you that how you can make that logo that is for that i will uh, make a separate video here i am just telling you how you can insert that and what you need to remember is that the format must be a png format so I'll go with that subscription button only. So let's hit with the choose image and uh, I'll insert that only. So now you can see that the subscription button is over here. Now it's up to you that uh, where you want to see your subscription button, right? At the end, start or entire video. So I'll make it at the entire video. Now this subscription button will be visible to your viewers throughout your video whenever they're watching uh, whenever they are watching your any video, right? So it's all about that. Now you can insert anything other than subscription button over there, but the thing is that this button or this image must be in that format which is already I told you in the PNG format, and the specification should be mentioned over there. It should be in that uh, range only, right? One after that, what you need to do is you have to just simply click on the save button. Now this button will be visible to your viewers throughout the video, right? This is it. I hope you like the video, right? Thank you so much for watching. Bye and take care.